जोधपुर के चार प्रखंडों में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में मतदान हो रहे हैं। उपायुक्त जाधव विजया ने स्ट्रांग रूम की तैयारियों का जायजा लिया, जहां उपायुक्त स्ट्रांग रूम की तैयारियों से संतुष्ट नजर आईं। उन्होंने बताया कि चारों प्रखंड के लिए बने सभी कोषांग सक्रिय हो गए हैं। सुबह से मतदान कर्मियों को उनके गंतव्य तक पहुँचाया गया और आगे होने वाले चुनाव में मतदान कर्मियों को पहुँचाने की कवायद शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि चारों चरण के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। बता दें कि पहले चरण में घाटशिला, मूसाबानी, गुड़ाबांध और मूसाबानी प्रखंड में चुनाव होने हैं। उपायुक्त ने मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था होने की बात भी कही। डिस्पैच किया जाएगा, वो कल प्रथम चरण में चार्ज ब्लॉक का डिस्पैच है। जिस बिल्डिंग में हम खड़े हैं वहाँ घाटशिला के 210 जहाँ से आए हैं वहाँ से 210 मतदान केंद्र के लिए 268 मतदान केंद्र के लिए डिस्पैच होगा। 210 मूसाबानी और डुमरिया ग्राउंड में जहाँ टेंट लगा है वहाँ से होगा और 86 गुड़ाबंदा का हो जाएगा। तो एक्चुअली ये सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स के लिए हम जो मतपत्र बांटने वाले हैं ये अभी भी चीज़ें प्रिपरेशन में हैं, तो हमने यही इनको आदेश दिए हैं कि रात के 8-9 बजे तक ये अपना प्रिपरेशन कंप्लीट करें और जो जो चीज़ों की कमी है उनको हमें सुधारने के लिए कहा है। तो यहाँ से वाहन कोषांग कम्प्लीटली कार्यरत हो चुका है और कल यहाँ पे जितने पोलिंग पार्टीज होंगे वो यहाँ पे आके अपना जनरल मटेरियल, अपना स्पेसिफिक मटेरियल, बैलेट बॉक्सेस, मतपत्र सेक्टर मैजिस्ट्रेट लेके जाए।